गाइज, वेलकम टू माय चैनल। ये अरवी है, मैं इसको उबाल के इसका छिलका निकाल के रखी हूँ। और ये फिश है, देसी वाला मछली है, मैं इसको भी अच्छे से फ्राई करके रखी हूँ। और एक मिक्स पे मैं 2-4 कलिया लहसुन ले रही हूँ और एक हरी मिर्च ले रही हूँ। और जो होता है मस्टर्ड सीड होता है, जिसको बोलते हैं हम राई भी बोलते हैं, और इसको भी ले रही हूँ मैं। इस दोनों को अच्छे से मिक्सी में पेस्ट करना है मुझे। मैं थोड़ा जीरा ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैं थोड़ा जीरा भी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के फिर दोबारा मैं इसको पेस्ट बनाऊँगी। फिर एक कढ़ाई पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ मैं। मस्टर्ड ऑयल हीट होने के बाद मैं थोड़ा सा वो 5 फोटन होता है, मैं वो 5 फोटन ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। फिर मैं तो प्याज और करी पत्ता भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जब भी आप कुछ खट्टा चीज़ बना रहे हो उसकी साथ आप करी पत्ता और थोड़ा सा 5 फोटन ऐड करने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं ये दोनों को इसके मसाले पे ऐड कर रही हूँ। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, वो प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर मैं फिर थोड़ा सा ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है मैं थोड़ा सा डाली हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट को तो अच्छे से भूनना, जब तक रॉ फ्लेवर नहीं जाता है तब तक ये भूनना है इसको। फिर मैं हल्दी का पाउडर और मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। इसको 2-4 मिनट भूनना है। अभी मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये नीचे से ना जले। दो तीन मिनट के बाद देखना ये इसका जो तेल है इससे छोड़ना लगा है, और साइड में देखिए थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना लगा है इसका। अभी मैं जो पेस्ट बना के रखी थी उसको भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। देखिए थोड़ा कितना अच्छा कलर आ रहा है, व्हाइट के ऊपर थोड़ा रेड रेड का कलर आ रहा है। इसको 1 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक भुनना है क्योंकि वो जो राई होता है मतलब वो मस्टर्ड सीड होता है उसका ज़्यादा कच्चापन नहीं होता है। 1 मिनट भुनने से ये चला जाता है उसका कच्चापन, और ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 1 मिनट तक भुनना है इसको। फिर मैं उसके अंदर डाल दूँगी उबला हुआ अरवी, और इसको मैं 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिला के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि वो अरवी जो है वो मसाला को थोड़ा ऑब्जर्व करें, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी इसको। फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ उसी मिक्सी पे, थोड़ा सा पानी डाल के उसी वो पानी को मैं ऐड कर रही हूँ। आपको जितना पानी चाहिए उतना ही पानी डालना, थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि वो और भी है, बाद में वो और भी थोड़ा पानी ऑब्जर्व कर लेगा, इसलिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करना है। और ये खटाई है, मुझे इसके अंदर 2 खटाई ऐड करना है क्योंकि मुझे नॉर्मल खटा चाहिए, इसलिए मैं 2 ही खटाई ऐड कर रही हूँ। आपके हिसाब से आप ऐड करना, आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो और ज़्यादा खटाई ऐड करना, कम पसंद है तो कम ऐड करना। पानी को अच्छे से उबालने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए पानी का उबाल भी आ गया, इसके अंदर हम मछली डालेंगे। मैं इसके अंदर ये 4 ही मछली ऐड कर रही हूँ, मछली पीस, और इसको अच्छे से पानी में अब्जर होने के लिए छोड़ दूँगी मैं। 5 मिनट काफ़ी है, 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी इसको मीडियम फ्लेम पे।
अभी मैं बस ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। बस ये हमारा तैयार हो गया, अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक बर्तन पे निकाल देंगे। अभी हम थाली रेडी करेंगे। अभी थाली पे मैं चावल ले रही हूँ और ये मछली का करी ले रही हूँ और थोड़ा सा परवल का भुजिया ले रही हूँ, बस सिंपल सा भुजिया है। और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ प्याज का स्लाइसेस। बस इतना सा ही है आज का लंच। अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब कर देना।